आज मैं आपको एक्सरसाइज बताने वाली हूँ लोअर बेली फैट को कम करने के लिए, जिनका सिर्फ और सिर्फ पेट ज्यादा है। यानी कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो ओवरऑल तो पतले होते हैं, बहुत पतले होते हैं, वो नहीं चाहते कि उनका वेट घटे या और बॉडी से जो फैट है वो निकले, लेकिन वो ये चाहते हैं कि हमारा पेट कम हो जाए। उसके लिए वो थोड़े चिंतित होते हैं, क्योंकि अगर कोई भी एक्सरसाइज करेंगे तो उनका वेट घट जाएगा, इसी वजह से वो एक्सरसाइज नहीं कर पाते और अपने पेट को नहीं घटा पाते। लेकिन उनके लिए मैं एक्सरसाइज लेके आई हूँ, वो अपने पेट को आसानी से घटा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सुमन चौहान, मेरे चैनल हेल्थ सिटी में आपका स्वागत है। और ज्यादा जानकारी के लिए आप मेरी वेबसाइट sumanhealthcity.com पे जा सकते हैं। तो अगर आप पूरी बॉडी से पतले हैं लेकिन बेली फैट आपका है, तो खाना आपको चबा चबा के खाना है। ये ध्यान रखना है कि आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो, फाइबर्स की मात्रा आपके खाने में अच्छी होनी चाहिए। दूसरी चीज है कि आप ऐसा ना सोचे कि ओवरऑल हम पतले हैं तो हमें कुछ भी खा लेंगे तो अच्छे से हमारी ग्रोथ हो जाएगी, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि आपका जो मेटाबॉलिज्म है क्या वो स्लो हो रहा है, जिस वजह से आपका बेली फैट निकला हुआ है पूरी बॉडी में, जो आपके खाना लगता नहीं है। तो उस चीज का ध्यान देना चाहिए। अपनी अगर पेट में कॉन्स्टिपेशन है तो उसको आपको साफ करने की जरूरत है। और दूसरी चीज है, ये मत सोचिए कि एक्सरसाइज करने से पूरा वेट आपका घट जाए। एक्सरसाइज जरूर करिए, इससे आपकी जो पाचन शक्ति है वो बढ़ती है। खाना जितना आपका ज्यादा पचेगा, अच्छे से पचेगा, तो पूरी बॉडी में अच्छे से लगेगा। और ये नहीं कि बेली फैट आपका और ज्यादा बढ़ जाएगा या पेट और ज्यादा बड़ा हो जाएगा, बल्कि आपका पेट कम निकलेगा और जो आपकी ओवरऑल बॉडी है वो भी अच्छी ग्रोथ करने लगेगी। तो चलिए एक्सरसाइज देखते हैं कौन सी आपको करनी चाहिए। सबसे पहले आपको मैट के ऊपर तरीके से लेट जाना है। तो नंबर वन एक्सरसाइज में आप ऐसे अपने लेग्स को बेंड कर लेंगे, हाथों को इस तरीके से आपको आपस में ऐसे जोड़ लेना है और उसके बाद ऊपर उठा लेना है। अब अपने इस तरीके से अपनी गर्दन को ऊपर उठाएंगे जितना आप उठा सकते हैं, ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। तो 10 रिपीटेशन पहली एक्सरसाइज। अब सेकंड एक्सरसाइज, हाथों को सर के पीछे रखना है और साथ में अब इस तरीके से अपनी गर्दन को भी उठाएंगे और इस तरीके से आप लेग्स को भी उठाएंगे। तो शुरू से देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। ये सेकंड एक्सरसाइज कंप्लीट। अब थर्ड एक्सरसाइज में आपको अपने लेग्स को इसे ऊपर उठाना है, सर को भी ऊपर उठा के रखना है ऐसे, और लेग्स को ऐसे जमीन पे लगाना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज, अपने हाथों को अपने हिप्स के नीचे रखना है। अगर आप थक रहे हैं आप बीच में रेस्ट ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि कंटिन्यू करनी है, कोई दिक्कत नहीं। नहीं थक रहे हैं तो कंटिन्यू रखिए। तो चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको अपने जो लेग्स हैं उनको ऊपर उठाना है, अपनी छाती से ऐसे लगाना है और फिर ले जाते हुए खोल देना है, पूरा लेग्स को रेज कर देना है ऐसे 1, 2, 3, 4, 5। इसमें आपके हिप्स भी उठेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 6, 7, 8, 9 and 10। रेस्ट कर सकते हैं अगर आप थक रहे हैं, नहीं थक रहे हैं तो कंटिन्यू रखिए। आप बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज की तरफ। अगली एक्सरसाइज में आप अपने हिप्स के नीचे अपने हाथों को रखेंगे ताकि आपके कमर के ऊपर प्रेशर ना आए। तो अब अपने लेग्स को ऊपर उठाएंगे, फिर से ऊपर उठाना है। ये स्पेशल जो पेट होता है ना हमारा, ये पेट के लिए एक्सरसाइज होती है। जो भी लेग से कर रहे हैं या आप गर्दन को उठा रहे हैं, पेट के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट आता है। तो ये एक्सरसाइज आपके लिए बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है जिन लोगों का केवल बेली फैट बढ़ा हुआ है।
तो लेग्स को ऊपर उठा लेंगे। लेग्स को ऊपर उठाने के बाद लेग्स को खोलेंगे और इनको इस तरीके से चौड़ाई में भी खोलना है। फिर वापस टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड टेन। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको अपनी लेग्स को पूरा ऊपर तक खोलना है, ऐसे पूरा ऊपर उठा लेना है। अब ऊपर उठाने के बाद अपने हाथों को ऐसे फैला लेना है चौड़ाई में। अब आपके गर्दन भी उठेगी और हाथ भी उठेंगे और इस तरीके से अपनी लेग्स को टच करना है। जितना आप कर सकते हैं उतना करना है, जरूरी नहीं है कि किसी को देख के करें आप। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड टेन। अब हम बढ़ते हैं अपनी लास्ट एक्सरसाइज की तरफ। अगर आप बीच में थक जाते हैं तो रेस्ट कर सकते हैं, नहीं फिर कंटिन्यू करके लास्ट एक्सरसाइज अपनी कंप्लीट करते हैं। हाथों को ऐसे पीछे रखना है आपको और इस तरीके से आपकी अपर बॉडी थोड़ा सा पीछे की तरफ रहेगी और हाथों से अपनी अपर बॉडी को मतलब सपोर्ट देके रखेंगे। अब अपनी लेग्स को उठाना है। लेग्स को उठाने के बाद आपको छाती से लगाने की कोशिश करना है, थोड़ा सा छाती से लगाने की कोशिश कि दोनों आपकी जैसे लेग्स और छाती टच होनी चाहिए और उसके बाद थोड़ा सा लंबा करके लेग्स को नीचे रखना है। थोड़ा सा स्लोली स्लोली करना है इसको, बहुत जल्दी से नहीं। थ्री फोर फाइव, स्लोली करेंगे तो बहुत ज्यादा इफेक्ट आएगा पेट के ऊपर। सिक्स सेवन एट नाइन एंड टेन। तो लंबी गहरी सांस लेंगे और लेट के 10-20 सेकंड के लिए रेस्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज कंटिन्यू करिए। इन एक्सरसाइज को करने से क्या होगा, आपका स्टेमिना बढ़ेगा, प्लस आपकी जो पाचन शक्ति, आपका मेटाबॉलिज्म है वो अगर स्लो है तो वो बढ़ जाएगा। पाचन शक्ति बढ़ेगी, खाना अच्छे से डाइजेस्ट होगा, आपकी जो कॉन्स्टिपेशन है, खाना रुका पड़ा रहता है पेट में, वो भी अच्छे से साफ होना शुरू हो जाएगा। पानी की मात्रा बढ़ा दीजिए। तो ऐसा करने से आपकी जो अपर बॉडी है और बॉडी पार्ट्स है तो वो भी अच्छे ग्रो करने लगेंगे और जो बेली फैट है वो ज्यादा नहीं बढ़ेगा, यानी पूरी बॉडी की शेप आपकी अच्छी दिखने लगेगी। तो आज इतना ही। वीडियो कैसी लगी जरूर बताना। वीडियो अगर आपको पसंद आई होगी तो उसको लाइक शेयर जरूर करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।